बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। की पापन का थी प्रेम जा तलंग भजन 21। मुंजा मन पापन खांथी परे। पाप पापिय जी पाड़ पटे तो दिस तू ध्यान धरे। इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज मन को पाप कर्मों से बचने की शिक्षा दे रहे हैं। जो पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं, पाप पापन जी पाड़ पटे तो उनकी जड़ नष्ट हो जाती है, समूल नष्ट हो जाते हैं। विचार करके देखो कि पापियों की क्या दशा होती है। पाप का परिणाम दुख है। रावण पापी पाप कमायो, अंत समय लाढ़ो पछतायो, सारो पंहिंजो वंश विञायो, डियरो घर ना बरे।
रावण का इतिहास पढ़ के देखो कि पाप करके उसने बहुत दुख प्राप्त किए। जब अंत समय उसका आया तो उसको पछताता हुआ गया, पूरा उसका वंश नष्ट हो गया, घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। कंस पापी पाप कमायो, काया माया मान विनायो। कंस पापी ने भी पाप करके अपनी काया माया, शरीर, धन संपत्ति, राज्य, मान सम्मान सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। अंत अख्यनमा नीर वहायो, कोई पिंड ना भरे। आखिर में वह भी रोता रोता गया, कोई उसका पिंड भरने वाला नहीं बचा। दुर्योधन भी पाप कमाए, छड़ियो पैंजो राज रुलाए। दुर्योधन भी पाप की कर्म की तरफ प्रवृत्त हुआ, पूरा राज्य कुल उसका नष्ट हो गया। मरण महल में सो दुख पाए, वैड़ो है करे। आखिर में पछताता हुआ वो उस संसार से गया, अनंत दुखों की उसे प्राप्ति हुई। पाप करे जो जग में भारी, कहे ट्रेऊं थे तहजी ख्वारी। जो भी पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होता है उसका संसार में यश कीर्ति नाम नहीं रहता, अपयश होता है। रोए हित हुत जारों जारी, फिर जन्मे मरे। यहाँ इस लोक में और परलोक में वो रोता हुआ जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन में वो बंधा जाता है, जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए अशुभ कर्म, पाप कर्म, उनसे अपने मन को हटाना चाहिए। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय, प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत। आयो मान स्वरूप में सतगुर टेऊ राम के, है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए,
वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।